sürdürüyoruz. Montrö Sözleşmesi'nin uygulayıcısı olarak Karadeniz'de sükunetin muhafazası ve bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Gaza par İsrail ke hamlo ka virodh kar rahe Turki ne ab İsrail ke saath sabhi vyaparik sambandh tod diye hain. तुर्की के व्यापार मंत्री ने कहा है कि जब तक इजराइल गाजा में पर्याप्त मानवीय सहायता पहुंचाने नहीं देगा तब तक रिश्ते बहाल नहीं किए जाएंगे। इजराइल के विदेश मंत्री ने इस फैसले के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को तानाशाह कहा। साथ ही उन्होंने एर्दोगन पर तुर्की के लोगों, व्यापारियों और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड एग्रीमेंट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पिछले साल दोनों देशों के बीच 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। एर्दोगन के विदेश मंत्री ने कहा, मैंने अपने मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो तुर्की के साथ व्यापार के दूसरे विकल्प खोजे और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दे। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ भी निर्यात बढ़ाने पर काम किया जाए। हमास के खिलाफ जंग की शुरुआत से ही तुर्की ने इजराइल के हमलों का विरोध किया है। आपको बता दें कि इजराइल तुर्की के रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं थे। साल 1949 तुर्की पहला ऐसा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। हालांकि धीरे धीरे दोनों के रिश्ते खराब होते गए और अब हालात इतने खराब हो गए कि नौबत व्यापारिक रिश्ते खत्म करने तक पहुंच गई। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2010 में जब इजरायली कमांडो की टुकड़ी ने तुर्की के 10 फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविस्ट के साथ झड़प हो गई थी। उस समय इजराइल ने गाजा पट्टी पर समुद्री नाकाबंदी कर रखी थी, यानी उस समुद्री रास्ते से आवाजाही पूरी तरह से बंद थी और तुर्की के एक्टिविस्ट इस पाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इजरायली कमांडो के साथ झड़प में इनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद तुर्की ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर दिए थे। इसके बाद साल 2016 में दोनों के रिश्तों की दोबारा शुरुआत हुई। हालांकि अगले 2 साल में ही गाजा इजराइल बॉर्डर पर तनाव की वजह से तुर्की और इजराइल ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास जंग के बाद से तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल की अलग अलग मौकों पर आलोचना की है। इजराइल पर हमले के बाद एर्दोगन ने हमास का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, उसके सदस्य आजादी की जंग में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन हैं। वे अपनी जमीन और नागरिकों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा एर्दोगन इजरायली प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल भी कह चुके हैं। जनवरी में एर्दोगन ने कहा था कि नेतन्याहू जो गाजा में कर रहे हैं वो हिटलर जैसा है। उसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा था कि एर्दोगन कुर्दिश लोगों के खिलाफ नरसंहार करते हैं। तुर्की में एर्दोगन के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, यानी दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इसका कारण है कि इजराइल हमास के खिलाफ है और तुर्की उनके बचाव में इजराइल से अब व्यापारिक रिश्ते भी तोड़ने को तैयार है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।